कुंजा बिहारे। जय राधा माधवा कुंजा बिहारे, जय गोपी जन बल्लभ फिर वरधारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जन बल्लभ फिर वरधारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बन चारे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, Thank you.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में और आज का जो श्लोक मुझे मिला हुआ है सेवा के लिए वो है श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 5 और श्लोक संख्या 8 जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप लोग मेरे पीछे पुनरावृत्ति कीजिएगा इसका। वातानवान्ते न हि शान्तिदस्वः प्राचेन बर्हे जीवति हि गृडण्डा गावो न काल्यान्तिदं कुतो रजा लोको अधूनां किं प्रलाय कल्पते वातानवान्ते न हि शान्तिदस्य वः प्राचेन बर्हे जीवते गृडण्डा गावो न काल्यान्तिदं कुतो रजा लोको अधूनां किं प्रलाय कल्पते वातानवान्ते न हि शान्तिदस्य वः प्राचेन बर्हे जीवते गृडण्डा गावो न काल्यान्तिदं कुतो रजा लोको अधुना किं प्रलाय कल्पते वातानवान्ते न हि शान्तिदस्य वः प्राचेन बर्हे जीवति उग्रदण्डा गावो न काल्यान्तिदं कुतो रजा लोको अधूनां किं प्रलाय कल्पते
वाता न बांते किम खांते दस्सवा प्राचीन बरहे जीवते उग्र दंडा गावो न कल्यांति दम कुतो रजो लोको अधोनाम किम प्रलाय कल्पते वाता न मानते सभा प्राचीन बरहे जीवति उग्र दंड गावो न कल्यांति दम कुतो रजो लोको अधुनाम किं प्रलयाय कल्पते वाता न वान्ते न हि शान्ति दस्य वा प्राचीन बर्हे जीवति उग्र दंड गावो न कल्यांति दम कुतो रजो लोको अधोनाम किं प्रलाय कल्पते वाता न वान्ते कि दस्वा प्राचीन बरहे जीवति उग्र दंड गावो कुतम कुतो रज लोको अधोनाम किं प्रलाय कल्पते। शब्दार्थ अर्थ और तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के जय। आप लोग अर्थ मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वाता हवाएं न वांते नहीं बह रही हैं न न तो ही क्योंकि संते संभव है दस्यवा लुटेरे प्राचीन बरही राजा जीवती जीवित है हा अब भी उग्र दंड जो कठोर दंड देगा गावह गाये न नहीं कल्यांते हाकी जाती इदम यह कुतः कहाँ से रजह धूली लोकह लोक अधुना अब किम क्या प्रललाय प्रलय के लिए कल्पते समा कल्पते आया समझा जाए। इसका अर्थ पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। आंधी के स्रोत के संभव संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा न तो तेज हवाएं चल रही है और न गाये ही जा रही है, न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अब भी बलशाली राजा बर ही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? तो ये अनुमान लगा रहे हैं जो भी वहाँ के ब्राह्मण गण हैं और जो भी उनके यज्ञ में उपस्थित लोग हैं। और इसका तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, रूपा जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया यहाँ पे। इस श्लोक में विशेष रूप से प्राचीन बरही जीवती महत्वपूर्ण है। उस भूभाग का राजा प्राचीन बरही के नाम से जाना जाता था। यद्यपि वह वृद्ध था किंतु अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार चोरों तथा लुटेरों के आक्रमण की कोई संभावना न थी। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह कहा गया है कि जब शासक शक्तिशाली होता है तो राज्य में चोर लुटेरे अवांछित लोग उचके रहते हैं। अगर शक्तिशाली नहीं होता तो ऐसा हो जाता है। जब न्याय के नाम पर चोरों को छूट दे दी जाती है तो ऐसे लुटेरों तथा अवांछित लोगों से राज्य में अशांति फैलती है। शिव जी के सैनिकों
तथा अनुचरों से हुई उठी हुई धूलि प्रलय कालीन दृश्य उपस्थित कर रही थी। जब इस संसार का संहार होता है तो यह कार्य शिव जी द्वारा संभव होता है, अतः उनके द्वारा उत्पन्न यह स्थिति दृश्य जगत के प्रलय काल की सी थी। और जैसे कि आज श्लोक संख्या 5 से लेकर 8 तक मुझे पढ़ना है, तो इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूँ। श्लोक संख्या 5, मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिवजी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्दत था। इस प्रकार किसी भी विरोध शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। श्लोक संख्या 6, घोर गर्जना करते हुए शिव जी के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और उसने उसके पांव में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। श्लोक संख्या 7, उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए। तो ये आज का श्लोक अर्थ और अनुवाद था, और मैं इसी पे आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और शुद्धिकरण करने के लिए कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैं आप सब वैष्णव की, जो भी वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबकी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। विशेष रूप से वैकुंठ चंद्र जी, रसाल जी, गोलोक गुरु जी आशीर्वाद दें ताकि अच्छे से हम इस सेवा को कर सकें। अपने शुद्धिकरण के लिए गुरु महाराज शक्ति दें ताकि भागवतम जो है वो पूर्ण रूप से अमल पुराण है और हम लोग अशुद्ध हैं, मलि हमारे अंदर है। और तो इससे पहले कुछ भी बोलने से पहले चाहूँगा प्रार्थना करना। प्रार्थना करते हैं सब लोग मिल करके। ओम अज्ञानते मिरंदस्य ज्ञानंजना सलाकया चक्षुरोत्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च सहस्तूपं साग्रजातं अमितं तं सजीवं सावधूतं अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामिताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सबका पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो जैसा कि हम भागवतम पे चर्चा करते हैं डेली प्रातःकालीन में 8 बजे से, तो ये भागवतम के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये भागवतम अमल पुराण है, उसके बारे में कहा गया श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं शुरू में ही कि कृष्ण स्वधाम गते, कि जब भगवान अपने धाम चले गए धर्म और ज्ञान को लेकर के, धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दिशा में सब पुराण अर्को अधुनोदित। तो ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा पुराण जो कि भगवान ही स्वयं
ज्ञान के रूप में, भागवतम के रूप में प्रकट हुए थे भगवान जब के जाने के बाद। जब भौम लीला से अप्रकट हुए तो इस ज्ञान के रूप में भगवान प्रकट हुए। और जैसा कि अभी हर जगह ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हर जगह लोगों के मन में भय बना हुआ है कि किसी से टच ना हो, छुए ना, सब लॉकडाउन में है, बंद हुए हैं। तो ऐसे ही भागवतम भी अगर हम देखें तो इसी परिस्थिति में भागवतम का भी उदय हुआ था। कैसे कि हम जैसे कि जानते हैं परीक्षित महाराज को श्रृंगी ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय भी हालांकि इतना परीक्षित महाराज को तो बहुत ज़्यादा भय नहीं लग रहा था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनके मन में जो भी संशय था भय करके, अगर जो भी संशय था उसको नष्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि इस भय की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो भागवत में कहते हैं तस्मात भारत सर्वत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम्। कि जब भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए और हमें अगर भय लगे किसी भी परिस्थिति में, तो क्या करना चाहिए? तस्मात भारत सर्वत्मा भगवान ईश्वरो हरि, हरि का जो भगवान है, जो सर्वात्मा है, सारे जीवों के हृदय में है, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, कथन करना चाहिए, उनकी कथाएं गानी चाहिए और मनन करना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो तुरंत हम देखेंगे कि जो भी भय है हमारे हृदय से चला गया और हम अभय को, अभय हमें प्रदान करती है भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतनी शक्ति होती है। तो उसी का आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध से। और जैसा कि भागवतम के जो भी भूमिका है, प्रत्येक भूमिका के आखिरी में जब प्रभुपाद जी भूमिका लिख रहे हैं तो भूमिका में यह बता रहे हैं कि भागवतम को कैसे लिया जाना चाहिए, भागवतम को कैसे सुना जाना चाहिए। तो प्रभुपाद भूमिका में आप लोग देख सकते हैं पूरे 18 जो भी वह 12 स्कंद के प्रत्येक उसमें पुस्तक में आखिरी में लिख के फिर ओम तत् से पहले लिख रहे हैं तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोक अबध्यवती अपि नामानि अनंतस्य यशः अंकितानि यत् श्रवंति गायंति गृणंति साधवा। कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भी भागवतम कथा होता है, भागवतम में क्या होता है कि भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का चर्चा होता है। चाहे कोई भी प्रसंग उठा लें, जैसे अभी ये प्रसंग चल रहा है, वीरभद्र आ रहे हैं दक्ष के यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए, इसमें भी ये भी भगवान की दिव्य लीलाएँ हैं। और इसको कैसे लिया जाना चाहिए, अगर भले ही कि कोई, जैसे कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, जैसे कि प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो भी श्रोतागण होते हैं, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है ये, भगवान के अनंत गुणों से रिलेटेड है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे रैलिस करते हैं, भले ही ये टूटी फूटी शब्द में ही क्यों ना बोला जाए, बट क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड है तो इसको रैलिस करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जो भी अगर गलती भी होगी उसको क्षमा करके इसको आप लोग रैलिस कीजिएगा। तो अभी क्या चल रहा है इस प्रसंग में, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अचानक से इस श्लोक को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो जैसा कि चतुर्थ स्कंद के शुरुआत में जो विदुर जी को कथा सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि, तो मनु महाराज के सारे वंशालियों की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि कुती की जो विवाह हुआ प्रजापति दक्ष से हुआ, और दक्ष के फिर संतानों का बात करते हैं तो उनकी 17 कन्याएं थी, पूरे 16 कन्याओं की बात करते हैं किनसे विवाह हुआ और कौन उनके पुत्र पुत्री थी। इसके बाद अचानक से कहते हैं जो सती थी वो कम आयु में शरीर छोड़ दी जिससे उनका कोई पुत्र नहीं था। तो बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि सती का विवाह तो शिवजी के साथ हुआ था, जो इतने बड़े महान भक्त हैं, महाजन हैं, फिर भी उन्होंने कैसे, क्या उनके साथ हो गया कि उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो ये पूरा कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें सब लोगों को आमंत्रित किया गया था, शिव जी ब्रह्मा जी आदि सारे देवता आए हुए थे। तो जब दक्ष आए तो शिव जी ने उनकी नज़रों में उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि शिव आगे शिव जी बता रहे हैं क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भगवान उपस्थित रहते हैं, इसलिए वो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उन्होंने प्रणाम कर लिया था। बट उनको लगा कि नहीं, उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो बहुत कुछ उनको सुनाया, अच्छा बुरा बोला इस तरीके से, फिर उनको श्राप दे डाला कि किसी भी यज्ञ में आपको कोई पार्ट नहीं मिलेगा, आपका कोई भी भाग नहीं होगा। तो इस तरीके से जब पता चला उनके अनुयायियों को तो उन्होंने फिर श्राप दे डाला कि आप ऐसे कुछ भी बोल दे रहे हो आपको बकरे का सर मिलेगा, आपको ज्ञान, आपके श्राप से लगता है कि ज्ञान की कमी है, क्योंकि शिव जी इतने बड़े महाभागवत हैं। तो इसको सुन करके जब भृगु मुनि ने सुना ओ इनको श्राप दे रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को भी श्राप दिया था कि जो ब्राह्मण होंगे
वो क्या करेंगे, सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए कार्य करेंगे, इनको भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लगेगी। तो इस तरीके से भृगु ने उनको श्राप दे दिया कि ये जो भी शैव होंगे वो वैदिक ज्ञान से हीन हो जाएं, ऐसे करके तो तमाम श्राप चलने लगे। फिर वो लगा कि वैष्णवों को श्राप देने वाले हैं जो उनके शिवजी के अनुयायी, तो वहाँ पर ले करके सबको शिवजी चले गए। इसके बाद बहुत काल बीत गया, दोबारा वाजपेयी यज्ञ करना उन्होंने शुरू किया दक्ष प्रजापति ने। तो इस बार सती अपने आश्रम में थी शिव जी के साथ, वो देख रही थी कि सब लोग जा रहे हैं उनके पिता के घर, तो वो भी शिव जी से पूछती हैं कि देखिए सब लोग जा रहे हैं हमारे पिता के घर, और पिता के घर और गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हाँ ये तो सत्य है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप उनके दामाद हैं, मैं उनके पुत्री हूँ, हमारा अपना घर है, बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। तो तमाम वो आर्ग्यूमेंट देती हैं कि हम निश्चित रूप से जाना चाहिए। शिव जी बोले हाँ जाना तो चाहिए निश्चित रूप से पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए, लेकिन उसी मेहमान के घर जाना चाहिए जो जाने पर हमारा सत्कार करे। वहाँ पर तुम जाओगी और तुम्हें उल्टा भला और सुनाएगा, हमें कुछ बोलेगा, तुमसे ये सहन नहीं होगा। और किसी भी सभ्य पुरुष के लिए अपमान मृत्यु तुल्य होता है। वो इनडायरेक्टली ये बता दिए हैं कि तुम वहाँ पर जाओगे तो मृत्यु हो जाएगा। फिर शिव जी चुप हो गए, क्योंकि शिव जी का यहाँ पर एक बहुत अच्छा गुण दिखता है वैराग्य का। तो भी उनको बहुत वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और स्त्रियों का जो हृदय भी ऐसा कोमल होता है। फिर वो गुस्से के मारे फिर धीरे धीरे वो चली गई, और चली गई तो शिव जी ने अपने गणों को भी उनके साथ भेज दिया। वहाँ जाने के बाद वही हो रहा जो शिव जी ने कहा था। उनकी बहनों ने, उनकी माताओं ने तो उनको आलिंगन किया, उनका सागर किया, मतलब सत्यकार किया, लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले। और वो जा करके यज्ञ में भी देखी तो उनके पति के लिए अर्थात शिव जी के लिए कोई भाग नहीं था। और जो कोई भाग नहीं था तो ये देख करके उनको बहुत बुरा लगा कि वैष्णव का यहाँ पर अपमान हो रहा है। और ये देख करके उनको इतना बुरा लगा क्योंकि उनको अच्छा मतलब बहुत बुरा सुनाने लगी, बोलने लगी कि आप एक वैष्णव का अपमान कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। और ब्राह्मणों को भी बोलने लगी कि आप लोगों को, आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो आप यज्ञ कर रहे हो, आपको तो ये ज्ञान होना चाहिए कि एक वैष्णव का कैसे आदर करते हैं, एक वैष्णव को कैसे भाग रखना चाहिए, और शिव जी इतने बड़े देवता हैं। इसके बाद उन्होंने भरी सभा में सबके सामने युगाग्नि से अपने शरीर में अग्नि प्रकट करके वहीं पर सती हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। इसके बाद फिर नारद मुनि जा करके यही बात बताते हैं शिव जी को कि ऐसा ऐसा हो वहाँ पे, और आपकी जो पत्नी थी वो तो सती हो गई। इसके बाद फिर शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, और शिव जी को गुस्सा आता है, हालांकि शिव जी एक महान वैष्णव हैं तो वैष्णव का बहुत अच्छे से गुण भी प्रदर्शित किया था वहाँ पर। शिव जी फिर गुस्से के मारे क्या करते हैं, अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं और उसको जोर से जमीन पर पटकते हैं, और पटकने से क्या हुआ, एक बहुत ही भीमकाय विशाल सहस्त्र भुजा वाला, क्योंकि हर एक भुजा में उसके अलग अलग आयुधों से सुसज्जित एक बहुत विशाल असुर पैदा होता है। तो वीरभद्र वहाँ पर पैदा होते हैं, और वीरभद्र को शिव जी जाकर के आदेश देते हैं कि जाओ तुम दक्ष का विनाश कर दो और यज्ञ का विनाश कर दो। फिर जब शिव जी के जो अनुचर भी उनके साथ हो लेते हैं, और जब वीरभद्र चल रहे हैं तो वीरभद्र मानो उनका सर पूरे आकाश में था, जैसे वृत्रासुर का हम वर्णन पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के छठम स्कंद में, वैसे ही भीमकाय असुर ये भी थे वीरभद्र। तो वीरभद्र जब चल रहे हैं, तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए अपने सारे असुर और भी जो शिव जी के जो गण थे उनके साथ, और ऐसा लग रहा है मानो कि बहुत तेजी से आंधी आ रही हो। उसी आंधी को देखते हुए जो कि वहाँ पर यज्ञ में जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर दया लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो यज्ञ में जो भी उपस्थित थे वहाँ पे तो उनको देख के लग रहा है कि ओह ऐसा ये आंधी कहाँ से आ रही है, या फिर दूसरे उन्होंने वो उसकी तुलना की कि क्या बहुत सारी गायें एक साथ उड़ रही, कि गायों के खुरों से उठने वाला जो रज होता है उसके चलते ये आंधी उत्पन्न हो रही है। लेकिन उनको लगा कि नहीं गायें भी नहीं है। फिर उनको लगा कि मन में संशय आया कि क्या चोर उचके, जैसे कि पहले की पुरानी मूवियों में देखते थे कि जो घोड़े से चढ़कर जो बहुत डाकू लोग आते थे, जैसे क्या नाम है शोले मूवी, उसमें हम देखते हैं डाकू लोग आ रहे हैं तो धूल उड़ रहा था, क्या ऐसा हो गया कि बहुत सारे चोर उचके एक साथ आ रहे हैं कि धूल उड़ रहा है। फिर उनको लगा कि नहीं, अभी तो प्राचीन बरही राजा जीवित है और वो उनको दंड देने में सक्षम है,
तो ऐसे राजा के होते हुए ये चोर डाकू भी नहीं हो सकते हैं, फिर ये ऐसा आंधी तूफान और कहां से आ रहा है। फिर उनको लगा क्या कि क्या ये प्रलय का काल आ गया है क्या, क्योंकि प्रलय के समय भी ऐसे ही धूल आंधी बारिश एक साथ उत्पन्न होता है। तो उनको लगा क्या ये प्रलय का काल है। तो यही आज के श्लोक में था और इसका तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और विशेष रूप से दो बातों का विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने जिक्र किया है इस तात्पर्य में। आज के क्या तात्पर्य में जिक्र किया है कि अगर कोई राजा शक्तिशाली हो, राजा अगर शक्तिशाली हो, अच्छे से राज्य कर रहा हो, तो बहुत ज़्यादा चोर उचके उस राज्य में नहीं पनपते हैं, राज्य शांति से रहता है। और प्रभुपाद ने आज की स्थिति को बताया है क्योंकि तथाकथित जो चोर डाकू हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है धर्म के नाम पे, नीति के नाम पे, तो उनके चलते समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हुआ है। और तीसरा जिक्र कर रहे हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक में कि प्रलय जो शिव जी मेन कारण होते हैं प्रलय का। तो आज के इसमें मैं भी यही इन्हीं तीन बातों का चर्चा करने का प्रयास करूँगा कि एक राजा का, एक शासक का क्या क्वालिटी होता है, कैसे जब हम देखते हैं प्राचीन युगों में जो कि हमारा वैदिक इतिहास है, ये पुराण और भागवतम ये सब क्या हैं। पुराण मतलब होता है पुरानी, ये पुरानी कथाओं को बताते हैं कि कैसे पुराने युगों में, पुराने काल में कितने अच्छे अच्छे राजा लोग राज्य करते थे जिसके चलते पूरी शांति व्यवस्था बनी हुई थी। और प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में अगर हम देखें परपट में इसको भूमिका में लिख रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो जैसे कि जो प्राचीन ज्ञान है उसका एक सभ्यता का को शो करता है, प्रदर्शित करता है। और उसी तरह की सभ्यता हम पीछे से जानकारी लेकर के, ज्ञान लेकर अगर अभी भी अगर स्थापित करें तो हम देखेंगे हर जगह सब शांति से रहेंगे, सब सुखी से रहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति आ सकती है। इसी चीज़ को लेकर के प्रभुपाद भी इंदिरा गांधी के पास गए हुए थे कि पूरा उन्होंने बनाया था, मैप बनाया था कि किस तरीके से अगर हम शास्त्रों के आधार पर अगर राज्य को चलाएं, शास्त्रों के आधार पर अगर समाज को चलाया जाए तो किस तरीके से समाज में शांति लाई जा सकती है, वही यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मैं उसी पर चर्चा करूँगा कि उन्होंने प्राचीन बरही नामक राजा का विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया है। और प्राचीन बरही का जो मैं पढ़ रहा था अगर उनका मैं कि हिस्ट्री क्या है, क्यों उन्हीं का वर्णन किया गया है, तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में उनके बारे में वर्णन है। और विशेष रूप से जो उनकी क्वालिटीज बताई गई है क्या थी कि जो राजा थे प्राचीन बरही वो राज्य करते थे लेकिन ब्राह्मणों के गाइडेंस में राज्य करते थे, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार राज्य करते थे। कि उस समय जैसे वर्णाश्रम में होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण जो होते थे वो राजा को गाइडेंस देते थे कि हाँ इस तरीके से राज्य करना चाहिए, और उनके गाइडेंस के अनुसार वो राज्य करते थे, इसलिए इतना अच्छा राज्य करते थे। जो दूसरा उनका गुण बताया गया प्राचीन बरही राजा का क्या कि एक राजा में गुण होना चाहिए वो राज ऋषि होना चाहिए, राजा के साथ साथ उसके साथ ऋषि का भी गुण होना चाहिए, कि एक धर्म को जानने वाले, धर्म को पालन करने वाला का भी गुण होना चाहिए राजा में। जब अगर राजा राजऋषि होंगे तो हम देखेंगे कि उनके राज्य में क्या होगा, सब जगह अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से हो रही है और प्रजा बहुत खुश रहेगी। और तीसरा उसमें था कि प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे थे कि उनके राज्य में सब लोग चार नियम का पालन करते, तो इतना सख्ती से चारों नियम का पालन, क्योंकि वर्णाश्रम का क्या अर्थ है, सम सिद्धि हरितोषणम, कि जो भी वर्णाश्रम भगवान बोल रहे हैं चतुष्वर्णय मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि चारों वर्णों की रचना भगवान ने किया है। और क्यों किया है कि सब अपने वर्ण और आश्रम का अच्छे से पालन करते हुए सम सिद्धि हरितोषणम, हरि को प्रसन्न कर पाए। और राजा प्राचीन बरही के समय में ऐसा होता था, एक ब्राह्मण अपने कार्य को ऐसे करता था, क्षत्रिय ऐसे कार्य को अपने करता था, शूद्र अपने ऐसे कार्य को करता था, या वैसे कि सब लोगों का जीवन का जो मेन लक्ष्य होता था क्या होता था, विष्णु को प्रसन्न करना, हरि को प्रसन्न करना। तो इस तरीके से अगर आज भी हम राज्य अगर किया जाए तो समाज में शांति लाई जा सकती है। और इस तरीके के ही बहुत सारे और राजा हुए हैं जिनका श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया, जैसे मनु महाराज। मनु महाराज की क्या खासी बात थी, तो इतने अच्छे तरीके से राज्य करते थे कि उनके सारी प्रजा भी वर्णाश्रम का और चार नियमों का पालन करती थी, और
स्वयं, जैसे आज के जो भी हम कहते हैं मनु, मनु का मतलब क्या होता है, स्वयंभू मनु। मनु ऐसे पूरे एक ब्रह्मा जी के जीवन में 14 मनु होते हैं, लेकिन जो हम सिर्फ मनु कहते हैं, तो इतने अच्छे तरीके से राज्य किया। आज भी जैसे मनु संहिता का हम लोग उल्लेख करते हैं, जैसे कि कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर अगर कोई आप चोरी करें तो आपका हाथ काट दिया जाता है, जैसे मृत्यु के बदले मृत्यु, ये मनु संहिता से ही लिया गया है। अगर उन्होंने इतने अच्छे तरीके से राज्य किया था कि उनकी प्रजा भी उनके साथ साथ भगवत धाम गई थी, एक राजा का गुण होकर अच्छे से राज्य किया गया तो राजा प्रजा भी बहुत संतुष्ट रहती है, और वो भी भगवत धाम जाने की अधिकारी होती है। और हम आगे अगर देखें तो राम राज्य की आज के डेट में बात की जाती है कि राम राज्य लाया जाएगा, हमें वोट दीजिए। और तो राम राज्य की क्या खास बात थी कि जो भी राम राज्य में इतने अच्छे तरीके से भगवान राम राज्य करते थे कि जो भी ये चार जो होते हैं आदि भौतिक क्लेश आदि आध्यात्मिक ये सब क्लेश बिल्कुल न के बराबर थे, इतना अच्छा सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। और हाल फिलहाल जैसे 5000 वर्ष पहले देखते हैं परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज भी इतने अच्छे से राज्य करते थे। और एक राजा को शक्तिशाली होना चाहिए और इतना राजा को सशक्त होना चाहिए कि जो भी नियम तोड़े उसके राज्य में उसको दंड देने का अधिकारी हो, दंड देने के वो काबिल हो। जैसे कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कि जो परीक्षित महाराज थे वो कली को मारने के लिए तैयार हो गए, जो कली थे जो कि धर्म का जो बैल के रूप में थे उनके पैर काट रहे थे, तो उनको दंडित करने के लिए एक इतने सशक्त राजा थे, शक्तिशाली राजा थे कि स्वयं कली जो कि देव योनि में देवता है उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से एक राजा को शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वो दंड देने में सशक्त हो, दंड देने के योग्य हो, दंड देने में उसका क्षमता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है। और हम देखते हैं कि क्या हुआ जो कि कलयुग में ऐसे दंड देने वाले सशक्त राजा नहीं हैं, और कलयुग में ये राजतंत्र का जो खात्मा हुआ और क्यों प्रजातंत्र आ गया, अगर इसमें अगर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो हम श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अगर पहले स्कंद में देखते हैं कि ये क्यों हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हे राजा, जब ये द्वापर युग समाप्त होता है, जो कलयुग शुरुआत होता है, तो जो जरासंध थे उनकी मेन रूप से वंश प्रणाली वंश परंपरा आगे बढ़ती है, उनके पुत्र होते हैं जिनको भगवान एस्टेब्लिश किया था राजगद्दी पे, उनके जो पुत्र होते हैं फिर पुरंजय होते हैं, पुरंजय को जो मंत्री होते हैं सुनक, वो अपने राजा को ही मार करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाते हैं प्रदोत को, प्रदोत के पुत्र होते हैं पालक, ऐसे करके उनके 8 वंशावली होती है, 138 साल तक राज्य करते हैं। फिर उनके बाद आते हैं महोदधि, महोदधि के पुत्र थे सुधापंती, सुधापंती के एक सेवक थे सुमालय, जो कि अपने राजा को अपने स्वामी को ही मार करके गद्दी पर बैठते हैं, और गद्दी पर बैठते हैं, फिर एक शूद्रा स्त्री से वो पुत्र पैदा करते हैं और उस पुत्र को फिर गद्दी पर बैठाते हैं। फिर वो जो पुत्र होते हैं बहुत गलत तरीके से राज्य करते हैं क्योंकि शूद्र से उत्पन्न हुए थे। और जो भी ये जब देखते हैं कि जो जो राज्य परंपरा में लोग अपने स्वामी का ही वध करके वो स्वयं गद्दी पर बैठने लगे, इसके बाद फिर उनको समाप्त करने के लिए कौटिल्य नामक राजा है, वो जिनका वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 2रे अध्याय में। कौटिल्य फिर उन राजा को हटा करके एक अजात शत्रु करके थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश की फिर स्थापना करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को फिर गद्दी पर बैठाते हैं उन राजवंशों को हटा करके। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज चलते हैं तो उनके 7 वंशज मिल करके 137 साल तक राज्य करते हैं। इसी तरीके से फिर तुर्की लोग आते हैं, फिर तुर्कियों का राज्य होता है, और भारत में भी देखते हैं कि काफ़ी समय तक वर्ल्ड में संसार में फिर तुर्की का राज्य होता है, तुर्कों के बाद फिर यवनों का राज्य होता है। और अब इसमें भागवतम के 3रे स्कंद में फिर वर्णन करें कि भारत जैसे जो पुण्य भूमि है इस पे भी कई सालों तक यवनों का राज्य होगा, यवनों का राज्य होगा, यवन के राज्य में क्या होगा, वो अपने पिता को ही मार करके एक राजा को ही मार करके और वो राज्य किया करेंगे। भागवतम में सब पहले से ही वर्णन है, जैसा कि हम आज के भी इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे वो अपने पिता को मार करके खुद गद्दी पर बैठे, तो यहाँ से ये सब वंश परंपरा का ह्रास होना शुरू हुआ, यहाँ से ये वंश परंपरा फिर समाप्त हुई। इसके बाद फिर भागवत में भी कि यमन के बाद फिर मलेच्छों का राज होगा, पूरी दुनिया में मलेच्छ का राज होगा, और मलेच्छों का जब राज्य आएगा तो ये जो वैदिक परंपरा है, ये जो सिस्टम होता है राजतंत्र, वहाँ से इनका खंडन होगा, वहाँ से इनका विनाश होगा। इसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि अब राजतंत्र है,
राजतंत्र में क्या होगा, फिर शूद्र को गद्दी पर बैठाया जाएगा, सारे शूद्रा मिलकर एक अपने में ही सही किसी राजा को चुनेंगे, उसी शूद्र को बैठाया जाएगा, शूद्र राज करेगा, ऐसा इसमें वर्णन आया है। कि क्यों फिर ये जो वंशानुगत राजतंत्र का वो होता है प्रजातंत्र क्यों आता है, क्योंकि राजा जो होंगे वो प्रजा की रक्षा में सक्षम नहीं होंगे, जो राजा होंगे प्रजा की देख देख नहीं करने रहेंगे, फिर प्रजा आवाज उठाने लगेगी, प्रजा फिर राजा को खंडित करने लगेगी, फिर प्रजा अपने में से ही किसी को चुनेगी और राजा को राजा के गद्दी पर बैठाएगी। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में वर्णन है ये सब। तो फिर क्या होगा, अगर शूद्र कोई अगर राज्य करने लगेंगे तो फिर धर्म के नियमों का टूटेगा, और धर्म के नियमों का टूटेगा जैसे कि हम आज देख रहे हैं, और भागवतम इसका पहले ही वर्णन हो चुका है। श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी, मैं बस अर्थ पढ़ूंगा, कैसे बता रहे हैं कि निःसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों का अभाव में वे रजो तथा तमोगुणी से पूर्ण रूप से प्रच्छन्न होंगे। क्योंकि जब ये ऐसे राजा होते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा, लोग यज्ञ करना छोड़ते हैं, लोग धर्म के नियमों का पालन करना छोड़ते हैं, फिर सतोगुण का ह्रास होता है, फिर कॉमन पब्लिक में भी देखें सामान्य जनता में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म सत्य पवित्रता दया आयु शारीरिक बल ये सब दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। इसका मेन कारण क्या था, यहाँ पर भागवतम बताया गया, क्योंकि एक राजा शक्तिशाली नहीं होता है, तो कैसे एक राजतंत्र का वो होता है, और धर्म के नियमों पर अगर के सिद्धांतों पर राज्य नहीं होगा तो उसका अर्थ होता है। आगे फिर बता रहे हैं, पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे, और व्यापार की सफलता कपट मानी जाएगी, जो जितना अच्छा कपटी होगा वो उतना अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, उतना अच्छा पैसा कमा के आगे बढ़ेगा। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र पे उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा, और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर किया जाएगा, कौन कितना मोटा जनेऊ पहन लिया लेके, ओहो हो ये इतने बड़े ब्राह्मण आज के डेट में माना जाएगा, कौन जितना जटाधारी शिखाधारी लंगोटधारी और तमाम धारी इतने मोटे मोटे वो पहने रहेंगे वो उतने बड़े पंडित ब्राह्मण माने जाएंगे। ये पहले से ही इसका वर्णन है। आगे हम देखते हैं तो कलयुग का इसमें वर्णन किया गया, मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों का में सुनिश्चित होगा, और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रमों को स्वीकार करेंगे। पता चलिए आज उस आश्रम में थे, कल उस आश्रम में, परसों किसी आश्रम में, आसानी से लोग किया करेंगे, पहले से इसका वर्णन है। और तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सबका वो नहीं करूँगा। तो ये सुन करके बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी की इन बातों को परीक्षित महाराज को लगा कि ओह कलयुग में इतना सारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तो वो बिल्कुल हाथ जोड़ करके उनके बोले कि सब ऐसे विनष्ट हो जाएगा, कोई धर्म नहीं रहेगा, तो ऐसे में लोगों क्या मतलब उनके पास तरीका रहेगा, जिसके मतलब क्या कोई आशा है कि नहीं है, फिर सब कुछ धर्म का नियम टूटेगा, सब कुछ धर्म सब नर्क में जाएंगे, इसके भी कुछ आशा है कि नहीं, बहुत ही, क्योंकि वैष्णव का क्वालिटी होता है पर दुखे दुखी, वो एक महान वैष्णव थे, वो पूछते थे। फिर इसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में वो बोलते हैं, कलयुग दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रजेत, कि कलयुग में हे राजन दोषों की निधि है, सब में दोष होंगे, दोष देखना बहुत आसान होगा, लेकिन एक इसमें गुण है, क्या है, कीर्तनाद के कृष्ण से मुक्त संग परम रजे, कि सिर्फ भगवान के नाम का अगर कीर्तन ही अगर करेंगे तो मुक्त संग परम रजे, मुक्ति का वो खुल जाएगा। इसीलिए मैं ध्यानपूर्वक ये कमियां हैं, और कमी हटेंगी नहीं, कुछ भी ऐसे आज कोरोना आया, कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगी, कुछ भी सामाजिक स्थिति बिगड़ती जाएगी धीरे धीरे कलयुग में समय के अनुसार, तो इसमें बचने का क्या तरीका है, हरि का नाम, जितना ध्यानपूर्वक हरि का नाम लेंगे उतना अच्छे से हमारी शुद्धिकरण होगा, और हम कलयुग के इस जो भी परिवेश है, कलयुग के जो लक्षण है, कलयुग के जो प्रभाव है, उनसे हम बच पाएंगे। तो ये तो था पहला भाग जो कि प्रभुपाद ने यहाँ पर वर्णन किया था कि कैसे आज के डेट में जो शक्तिशाली राजाओं के नहीं होने से जो समाज जो शासक हैं वो धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे चोर लुटेरे उचक्के जो हैं समाज में बढ़ते जाएंगे और अवांछित लोग ऐसे उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और समाज की जो व्यवस्था है बिगड़ जाएगी, प्रभुपाद जी ने
यहाँ पर वर्णन किया था। जो दूसरा इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जैसे कि आज के श्लोक में भी है, कि लोगों को प्रलय सा लगने लगा कि क्या ये प्रलय आने वाला है क्या, इतना ज्यादा आंधी तूफान आ रहा है। तो उस पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि प्रलय क्यों होता है, प्रलय किस लिए होता है, प्रलय का क्या इफेक्ट होता है, प्रलय में कैसे होता है, शिव जी का क्या प्रलय में रोल होता है, तो और प्रलय का हमारे शास्त्रों में कैसे वर्णन किया गया। तो मैं प्रलय का काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इसका 25वें अध्याय में इसका प्रलय का वर्णन किया गया है। तो पहले देखते हैं कि प्रलय क्यों आता है। इससे पहले बताना चाहूँगा मैं 2 मिनट में कि कितने तरह के प्रलय होते हैं। तो प्रलय क्यों आता है कि जब भगवान देखते हैं, जो भगवान के तमोगुण के जो कंट्रोलिंग डिटीज हैं, जो संकर्षण हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब भगवान ही है, संकर्षण विष्णु के अवतार हैं, तो यही जो प्रलय के मेन कंट्रोलिंग डिटी हैं संकर्षण है, उन्हीं के एक्सपेंशन फिर शिवजी और 11 रुद्रों द्वारा कराते हैं। मैं आगे बताऊंगा। जो देखते हैं कि जब भी सृष्टि होती है, जीवात्माओं को उत्पन्न किया जाता है, जीवात्माओं को दोबारा मौका दिया जाता है सृष्टि करके, क्या कि आप धर्म का पालन करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से निकलिए और इसको जन्म मृत्यु को पार कीजिए। तो जब संकर्षण ये देखते हैं कि जीवात्माएं अच्छे से पालन नहीं कर रही हैं धर्म का, कोई भी जाने को तैयार ही नहीं है भगवत धाम, इतने अच्छे उनको सब कुछ धर्म दे दिए, वेद दे दिए, शास्त्र दे दिए, स्वयं अवतार लेके आ गए, गुरु को भेज दिए, सब कुछ भेज दिए, फिर भी कोई जाने को तैयार नहीं है, सबको अपना इंद्र तृप्ति ही दिख रहा है, अलग अलग बहाने बना रहे हैं, अलग अलग तरीके बना रहे हैं, अलग अलग टेक्निकल तरीके से सब इंद्र तृप्ति करना चाह रहे हैं। तो ये देख करके भी उनको क्रोध में आते हैं, स्लाइटली थोड़ा क्रोध आता है उनको संकर्षण को, उस क्रोध का प्रभाव है ये प्रलय आता। तो क्रोध में क्या होता है, 11 फिर रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन रुद्र के फिर 11 भागों में अपने को प्रकट करते हैं वो, और फिर वो तांडव करते हैं जिनके चलते बहुत असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि कारण होता है प्रलय का। तो प्रलय कितने तरह का होता है, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में क्रमशः 22, 34 और 35 श्लोकों में इनका वर्णन है। जो पहला होता है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है कि जब हर ब्रह्मा जी के रात्रि में, जैसे कि ब्रह्मा जी के 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे का दिन होता है उसमें हमारे 1000 चतुर्युग बीतता है, जैसा कि सबको पता है श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका वर्णन है। और हर जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो जो रात्रि होती है उसमें प्रलय आता है, उसको क्या बोलते हैं, नैमित्तिक प्रलय आता है। तो क्या होता है कि हर तरफ से आंधी तूफान धूल पूरा उत्पन्न होने लगता है, बहुत तेजी से बिल्कुल बारिश होता है, और स्वर्ग लोकों आदि तक लोगों के सारे लोक जलमग्न हो जाते हैं, पूरी के पूरी तरीके से सब, पूरे नीचे से लेकर के ऊपर लोगों तक, कुछ ऊपर से ब्रह्मलोक सतलोक आदि ये सिद्ध लोग बचते हैं, बाकी सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं, और सारी के सारे जीवात्माएं जिनको मौका दिया गया था कि दोबारा जन्म ले, अच्छे से धर्म के रास्ते पे चले और जन्म मृत्यु से निकले, जो नहीं जाते हैं क्या करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु के गर्भ में पुनः सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के एक रात्रि के समय तक, मतलब हमारे गणना अनुसार 1000 चतुर्युग तक गर्भोदक साई विष्णु के गर्भ में सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। फिर से ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो फिर से सृजन करते हैं, फिर से हमें मौका दिया जाता है कि आएं और धर्म का पालन करें, हरिनाम में टेस्ट अच्छे से बढ़ाएं और जन्म मृत्यु से बाहर निकले। इसके बाद जो दूसरे तरह का जो प्रलय होता है वो होता है प्राकृतिक प्रलय। और प्राकृतिक प्रलय जिसका वर्णन भागवतम के 14वें स्कंद के 14वें अध्याय के 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णन है, ये जब कब होता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद। ब्रह्मा जी की जो कि आयु हमें पता चलता है शास्त्रों की 100 वर्ष की है उनकी गणना के अनुसार, हमारी गणना के अनुसार तो बहुत अरबों खरबों मीलों में है। तो ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष उनकी आयु खत्म होती है तो फिर जो प्रलय आता है प्राकृतिक प्रलय, इसको महाप्रलय भी कहते हैं। और महाप्रलय में क्या होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे पूरे 14 प्लेनेट्री सिस्टम, प्लैनेट्स तो बहुत होते हैं, 14 प्लेनेट सिस्टम
सारे भू भू जन तप सत्य और ये पृथ्वी लोग और नीचे के अताल पताल बीतल सूतल तलातल सारे के सारे विनष्ट होकर के और अव्यक्त रूप में और जो महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, महाविष्णु के शरीर के अंदर, और सारी जीवात्माएं जिनको मौका दिया गया था, बार बार ब्रह्मा जी का जीवन हो रहा था, ब्रह्मा जी बार बार सृजन कर रहे थे और मौका दिया जाता था, और फिर भी जाने को रेडी नहीं थे भगवत धाम, उनको दोबारा महाविष्णु के गर्भ में जाने का मौका मिलता है और ब्रह्मा जी के सॉरी महाविष्णु के एक श्वास तक पुनः वो महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। और जो तीसरा जो प्रलय होता है आत्यांतिक प्रलय होता है। आत्यांतिक प्रलय क्या होता है कि जब कोई भी जीवात्मा जो हमें मौका मिल रहा है यहाँ से कि जन्म मृत्यु से बाहर निकल पाए और अच्छे तरीके से धर्म के नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति करके जब कोई भी जीवात्मा भगवत धाम जाता है तो इस प्रलय को भी कहते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु के सारे चक्र से ऊपर उठ गया तो इस प्रलय को क्या कहते हैं, आत्यांतिक प्रलय, कि दोबारा वो जीवात्मा को जन्म मृत्यु में नहीं पड़ना पड़ता है। और जो चौथा तरह का प्रलय होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय में क्या होता है, जो कि ऑलवेज नित्य जैसे शब्द से लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस सतत सतत जो प्रलय होता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना, आयुर हरदि वय पुंसाम उद्दन स्तन यन्न सौ तस्य अर्थ यत् क्षण नित उत्तम श्लोक वार्ताया, कि जो भी भगवान के उत्तम श्लोक वार्ता में नहीं लगते हैं, श्रीमद् भागवतम के कथा श्रवण में चिंतन में मनन में सुनाने में नहीं लगते हैं, तो जैसे सूर्य उगता है और सूर्य ढलता है तो उनके आयु कम होती रहती है, क्षण 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 हर क्षण कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नित्य प्रलय, जो कि प्रति क्षण हमारे शरीर में होता रहता है। तो ये चार तरह का प्रलय होता है। क्यों प्रलय आता है मैंने बताया, कितने तरह का प्रलय होते हैं ये मैंने बताया, और फिर मैं बताया कि प्रलय में शिवजी का क्या रोल होता है। शिवजी से ये 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं, रुद्र तांडव करते हैं, जिनसे कि बहुत असीमित मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है जो कि कारण होती है, और उसके और भी इफेक्ट होते हैं। और क्या इफेक्ट होते हैं तो मैं बताऊंगा कि कैसे इसका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में ही बताया गया है कि क्या इफेक्ट होता है प्रलय के समय का। तो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो सुनाते सुनाते वो भागवतम के 12वें स्कंद में कथा सुना रहे हैं मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि का कथा आती है और बहुत ही रोचक कथा है, वो प्रलय का उसमें वर्णन होता है कि मार्कंडेय ऋषि अपनी तपस्या के बल पे भगवान को इतने प्रसन्न कर लिए थे कि जैसे वो जीते जी एक तरह से मुक्त आत्मा हो गए थे। जैसे उदाहरण देते हैं ना भागवतम में, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं, जैसे एक नारियल होता है और नारियल जो खोखला के जो सूख जाता है तो अपने उससे अलग हो जाता है, ऐसे हिलाएंगे तो बचेगा, वैसे शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त थे मार्कंडेय मुनि अपनी तपस्या के बल पर। इतना उन्होंने ब्रह्मचर्य का और तपह का इतना ज़्यादा पालन किया था। तो इसे प्रसन्न होकर एक बार नर नारायण ऋषि जो कि भगवान के अवतार हैं बद्रिकाश्रम में, जिनका आज भी हम जाते हैं उनका दर्शन होता है, तो नर नारायण ऋषि प्रकट होते हैं, प्रकट होकर बोलते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आप वर मांगो। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे अभी वर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी भक्ति से ही पूरे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और आप जब इतने मेरे पे प्रसन्न हैं ही तो मेरे को वर की क्या ज़रूरत है। तो बोले नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप वर मांगो ही। तो वर मांगते हैं, ठीक है अगर आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे ना आपकी माया को देखना है। तो वो बोलते हैं भगवान कि अब कुछ और मान लीजिए आप माया को देखना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं भगवान एक बार ना मुझे माया को देखना है आपके। तो भगवान बोलते हैं ठीक है भाई तथास्तु जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान वहाँ से अप्रकट हो जाते हैं और ये फिर से अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं, अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं और कुछ क्षण में तपस्या में लीन रहते हैं और क्या देखते हैं कि अचानक से बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं इतनी जोर से चलने लगती हैं कि धीरे धीरे वो तूफान का रूप ले लेती हैं। बहुत तेजी से तूफान आने लगता है पूरा, जो कि हिमालय के ऊपर वो बैठे हुए होते हैं बिल्कुल ऊपर, और बहुत तेजी से तूफान आने लगता है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, पेड़ पौधे उखड़ने लगते हैं, बहुत तेजी से बारिश आने लगती है। बारिश इतनी तेजी से और इतने ज़्यादा समय तक होती है कि देखते हैं कि जो सी लेवल समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और बढ़ते 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 पूरे हिमालय पर्वत तक को पूरा जलमग्न कर देता है। और ये मार्कंडेय ऋषि जल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उतरा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कभी डूब रहे हैं कभी तैर रहे हैं, तैरते तैरते और कितने समय तक,
जहां देख रहे हैं, जहां इनकी नजर आ रहा है, सिर्फ जल जल जल। जल में बड़े बड़े जीव तिमिंगल मछली, बड़े बड़े क्रोकोडाइल मगरमच्छ वगैरह, बहुत बड़े बड़े जीव, और उसी में ये तैर रहे हैं, उतिरा रहे हैं, डूब रहे हैं, बिल्कुल ही थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और परेशान होते होते कहाँ से डूबना स्टार्ट किए थे, वो हिमालय से। और जब तैरते तैरते डूबते डूबते, और कितने समय तक होता है, ब्रह्मा जी के एक रात्रि के बराबर तक का ये समय होता है। और इसके बाद वो प्रयाग के तरफ उधर के क्षेत्रों में देखते हैं कि बट का बहुत बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष के नीचे एक बट का पत्ता गिरा हुआ है, और पत्ता जो है पानी पर तैर रहा है, और उस पत्ते के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सोलोना सा छोटा सा बच्चा कि जो कि तैर रहा है उसके ऊपर और लेटा हुआ है, और लेट करके वो अपने अंगूठे को मुख में लेकर के अंगूठा चूस रहा है। छोटा सा बच्चा, आप कल्पना कीजिए कितना। श्रीमद् भागवतम में कि तीसरे स्कंद में अगर जो फोटोज बने हुए हैं उसमें उसका फोटो आता है भगवान का इस रूप का। और हमारे आचार्यगण इसका एक वर्णन करते हुए बाल मुकुंद अष्टकम भी लिखे हैं, वो इस प्रकार है। करार अरविंदेन पदार अरविंदम मुखार अरविंदेन विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे सयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कि कैसे वो आरती करते हैं कि इस बाल मुकुंद को, मुकुंद जो कि मुक्ति के दाता है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उनको इतना अच्छे तरीके से उनके रूप का वर्णन किया गया है कि करार अरविंदन, उनके जो कर हैं, हाथ हैं, अरविंद से उनकी तुलना की गई है, कि अपने कमल हस्तों से अपने कमल रूपी पैर को पकड़ के और अपने कमल रूपी मुख में वो अपने अंगूठे को डाल करके चूस रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं मन में स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो तैरते तैरते देखते हैं कि भाई इतने काफ़ी समय से मैं यहाँ पर तैर रहा हूँ प्रलय में, कोई भी नहीं दिख रहा है, हर जगह सुनसान है, सब लोग जल में जलमग्न है, डूबे हुए हैं, लेकिन ये बच्चा इतना सुंदर भी लग रहा है, और ये कौन है, क्या कर रहा है, कहाँ से आया ये। तो सोचते हैं कि जाके भाई पूछूं इससे। तो जाते हैं, और जाते हुए जब पास पहुँचते हैं तब तक क्या करता है वो बच्चा, जोर से सांस लेता है, और सांस लेता है, और मार्कंडेय ऋषि बच्चे के सांस के अंदर से पेट के अंदर, और पेट के अंदर जा करके क्या देखते हैं कि वैसा ही वैसा का पूरा संसार, मेरा आश्रम, वहाँ मैं बैठ करके जप तप कर रहा हूँ, मैं बैठ के साधना कर रहा हूँ, पूरी हरियाली है, पूरा पर्वत है, पूरे पर्वत शिखर हैं, सारी नदियाँ हैं, सारे लोक हैं, अलग अलग वृक्ष हैं, पूरी प्राकृतिक सौंदर्य, जो भी नीचे से ऊपर तक लोक हैं, सब कुछ वो भगवान के उस जो बाल गोपाल रूपी भगवान के पेट के अंदर देखते हैं। फिर उनको आश्चर्य होता है, ओ हो, जो भगवान का माया देखना चाह रहा था ना, ये है। और भगवान कैसे अपने माया से प्रलय उत्पन्न कर देते हैं, और बार बार सृष्टि करते हैं, और बार बार सृजन करते हैं, उनको फिर समझ में आया। और तब तक फिर वो श्वास लेते हैं और फिर से बाहर, और इसके बाद फिर से देखते हैं, तब तक सारा प्रलय का जल समाप्त, और यथा स्थिति में फिर से अपने स्थान पर, और फिर से वो पूर्ण स्थिति में जप कर रहे हैं, और जप में मग्न है, और फिर समझ में आता है कि वो भगवान कितने महान हैं, भगवान की माया कितनी महान है, और भगवान अब कैसे अपने माया के द्वारा बार बार प्रलय करते हैं और बार बार सृजन करते हैं। तो ये प्रलय का वर्णन था श्रीमद् भागवतम से, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सीनियर वैष्णव है कुछ उसमें टीका करना चाहें, कुछ संक्षेप में बोलना चाहें, बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की कथा सुनने के लिए। यस प्रभु जी, हाँ, जब ब्रह्मा जी का दिवस होता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करते हैं नीचे के लोगों सारे, जो ब्रह्मा जी के जब लोग, उसमें तो रात्रि है, और बाकी उससे नीचे जो सिद्ध लोग हैं वो तो अपने सिद्धि में बैठे हुए हैं, और बाकी नीचे के जो लोग होते हैं स्वर्ग आदि, ये सब लोग ये प्रलय की जलमग्न हो जाते हैं, और गर्भोदक साहब विष्णु के उसमें चले जाते हैं, फिर दोबारा होता है, दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा हमें मौका मिलता है। तो इससे क्या हमें सीख लेना चाहिए कि पता नहीं कितनी बार प्रलय में जा चुके हैं,
पता नहीं कितनी बार आज सुबह में ही, मतलब मैं एक जपा टॉक सुन रहा था रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी का, तो उसमें प्रभु जी बहुत गंभीरता बस बता रहे थे गंभीरता पूर्वक कि नहीं तो बार बार हमें जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ना पड़ेगा, ये कोरोना वायरस और अलग अलग वायरस आते रहेंगे, सामाजिक स्थिति बदलती ऊपर नीचे होती रहेगी, हम इसको नहीं बदल सकते हैं, ध्यानपूर्वक जप करके बार बार में प्रलय के चक्कर में ना फंसे, ब्रह्मा जी के अलग अलग पता नहीं कितने जीवन, पता नहीं कितने ब्रह्मा बदल गए, पता नहीं कितने दिन हुए रात हुए, हम यहीं पर टिके हुए हैं भोग वांछा के लिए, तो इसे हम बाहर निकले अच्छे से जप करें। और इसे मतलब प्रभु जी बता रहे थे मुझे, बहुत एक मिनट के लिए बहुत सोच मैं वो हुआ कि नहीं इस बात सही है, पता नहीं कितने समय से, तो अच्छे से जप करना चाहिए हमें और किसी का कुछ। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।